दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे और हम नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पार्ट वन है जिसमें मैं मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट्स निकालूंगा। उसके बाद वाला जो प्रैक्टिकल हम पार्ट टू में करेंगे उसमें इक्वेटोरियल लाइन पे मैं न्यूट्रल पॉइंट्स निकालूंगा। बेसिकली ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन पास होती है मैग्नेट की एक्सिस से उसे हम एक्सियल लाइन बोलते हैं, और मैग्नेट की एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है जो मैग्नेट को दो आधे हिस्से में डिवाइड करती है ऐसे खड़े में, वो लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम शॉर्ट में थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये अर्थ है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जो लाइन है उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, और इसे ये पॉइंट को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये जो है ज्योग्राफिक साउथ। लेकिन अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि अर्थ के कोर में मॉल्टन मेटल होता है दोस्तों, तो आयन होता है, क्रोमियम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो मॉल्टन फॉर्म में होता है, पिघले हुई अवस्था में होता है, और वो जो लिक्विड है वो घूमता रहता है। और आयन बेसिकली एक लिक्विड फॉर्म में है और जब वो घूमता है तो उसके कारण एक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट के कारण अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अर्थ का जो मैग्नेट है वो अपनी ज्योग्राफिक एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड होता है, और ये जो पॉइंट है ये है अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है। ये जगह एंटार्क्टिका है दोस्तों, और ये जगह जहाँ पे मैग्नेट अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, ये जो जगह है वो कनाडा है दोस्तों। तो अगर मैं सपोज़ मेरा बार मैग्नेट यहाँ पे रखूँ तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपना मैग्नेट ऐसे रखूंगा तो ये साउथ रिपेल होंगे, ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होंगे ऐसे, और इसलिए मैग्नेट घूम के एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है बार मैग्नेट हमारा, वो अर्थ के मैग्नेट से अलाइन हो जाएगा। तो यही आपको एक चीज समझनी है दोस्तों। तो अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूं वो जगह के नीचे भी नीचे से अर्थ का ये बार मैग्नेट पास हो रहा है, ऐसा हमें अज्यूम करना है, ठीक है दोस्तों। और ये कंपास है, कंपास भी एक मैग्नेट की बनी होती है, और ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल गड़ा हुआ है दोस्तों। तो मैं अब दो पॉइंट्स को मार्क कर लूँगा ऐसे, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और ये जो लाइन है दोस्तों ये जो लाइन है उसमें ये जो पॉइंट है ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ है, लेकिन कंपास की नॉर्थ, मतलब आप ये समझिए कि अर्थ का जो साउथ है वो इस साइड गड़ा हुआ है, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ इस साइड है, और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ इस साइड है, ठीक है दोस्तों। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में जाती है, तो इस तरीके से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरह आएंगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं अपना वाला बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ यहां पे है उसको मैं अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ रख दूंगा ऐसे। अब क्या होगा कि इसमें से निकलती हुई फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी और साउथ में से एंटर होंगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कोई एक जगह पे ये लाइन पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी ये लाइन पे इस साइड भी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी, और नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दोस्तों
वो ज़ीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हमें बी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है तो दो पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो मिल रहा है दोस्तों। और हमें वो कैसे पता चलेगा कि यही वो पॉइंट है, तो उसके लिए हमें कंपास रखना पड़ेगा दोस्तों ऐसे। और कंपास को आप धीरे 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 पीछे ले जाइए। ये कंपास अभी इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके बहुत करीब है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर 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 ले जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा दोस्तों कि जहां पे ये मैग्नेटिक नीडल कोई सी भी डायरेक्शन में रेस्ट पे आ जाएगी, कोई सी भी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। जैसे देखिए ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसा है कि ये कोई सी भी डायरेक्शन में अलाइन करे, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड जीरो हो रहा है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम। तो आइए दोस्तों, अब थ्योरी पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिकल की ओर मुड़ते हैं। और प्रैक्टिकल में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक ब्लैंक शीट पे रख रखा है, और जो कंपास का जो नॉर्थ है, ये जो रेडिश डॉट जो आपको दिखा रहा है कंपास का, जो बार मैग्नेट सॉरी नीडल मैग्नेट, ये इस साइड पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो है डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक साउथ है, या फिर उसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो दो पॉइंट्स जो मुझे मिल रहे हैं नॉर्थ और साउथ, उनको मैं अच्छे से मार्क कर लूँगा इस तरीके से। अब ये मैग्नेट को मैं बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसको मैं हटा रहा हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। जो कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है इस तरीके से दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, ये एक मेरे पास बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का जो नॉर्थ जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्थ है, उसको मैं इस डायरेक्शन में रख रहा हूं। और ये जो डायरेक्शन थी दोस्तों कौन सी थी, तो जैसे कि आप यहां देख रहे थे कि जब मैंने मार्क किया था तब ये डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ थी, ये साउथ थी, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये जो है वो ज्योग्राफिक साउथ है, या फिर इसको आप मैग्नेटिक साउथ बोल सकते हो, या इसको आप मैग्नेटिक नॉर्थ बोल सकते हो। तो मैंने मेरे बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा हुआ है, या फिर ज्योग्राफिक साउथ की डायरेक्शन में रख रखा है। तो इस केस में जो मुझे न्यूट्रल पॉइंट है वो मिलेगा अलोंग द एक्सेस, ठीक है। ओके, तो आइए दोस्तों अब हम इसे भी, इसकी पोजीशन भी फिक्स कर लें और इसे अच्छे से इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लें। उससे क्या होगा, अगर ये एक्सपेरिमेंट में हिला भी तो भी आप उसको अपनी अच्छे से जगह पे वापस से रख सकते हैं, इसलिए हमें मार्किंग करना ज़रूरी है। वरना आप प्रैक्टिकल में ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे से जाइएगा तो एक्सपेरिमेंट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने जैसे मार्क कर लिया यहाँ पे, अब वापस से मैं ये जो कंपास है उसको यहाँ रखूँगा, और कंपास की अलग अलग पोजिशन पर, जैसे मैंने कंपास को यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो कंपास के जो नीडल के जो दो कोने हैं वहाँ पे आपको डॉट्स रखने हैं। जैसे कि एक डॉट मैंने यहाँ रखा इस एंड पे, दूसरा जो डॉट है वो मैं ऐसे रखूँगा। उस तरीके से आप कंपास को आगे जाने दीजिए, और ये जो नीडल का दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसका पहला पॉइंट ड्रॉ करना है मुझे ऐसे इस तरीके से दोस्तों। पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पूरा सेटअप है वो हिलना नहीं चाहिए, और देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
वो हमें मिलती जा रही हैं। ऐसे तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत अच्छे से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिल गई है। और उसी तरीके से मैं और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट कहीं हिल जाए तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही आउटलाइन ड्रॉ कर रखी है। इस तरीके से दोस्तों, तो आइए दो और लाइंस भी हम प्लॉट कर लें। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं हमारी। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। और जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। ऐसे अब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट्स जो है वो हमें अलोंग द एक्सिस मिलेगी, तो न्यूट्रल पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है? तो आप कंपास को यहाँ पे रखिए एक्सियल लाइन पे टच करके मैग्नेट से, और धीरे 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 इसको आप इस लाइन पे मूव करते जाइएगा। तो जहाँ पर भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी, वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी रिजल्टेंट। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो कोई और ही कोई सी भी डायरेक्शन में घूम जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसको हम धीरे धीरे से इस लाइन पे शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ये अलाइंड है। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ बहुत पावरफुल है, इसलिए जो कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो इसकी डायरेक्शन में अलाइंड है। लेकिन जैसे हम दूर जाएंगे तो दोनों की इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, और एक पॉइंट पे अर्थ की और उसकी, यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो गई हैं और मैग्नेटिक नीडल है वो कोई सी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर रही है। तो ये जो है हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो आइए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट आ गया। उसी तरीके से इसे यहाँ पे रखिए और धीरे 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 इसको आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, तो मैग्नेट की जो फील्ड है वो कम होती जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अर्थ की ओर इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम हो गई है। ताई मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। और
ये आपका न्यूट्रल पॉइंट ए है और ये न्यूट्रल पॉइंट बी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रैक्टिकल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।